भाई कल मैंने आपका एपिसोड देखा था डांस दीवाने का, मोम वाले एक्ट में आप बहुत इमोशनल दिखे थे, केआर आडवाणी वाला मोम वाला। अच्छा वो मोम 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 नहीं मोम ये लड्डू को भी लाडू बोलते हैं लेकिन सेट पे जब मैम वहाँ बैठी होती हैं तो वो इतनी यू नो इतनी होमली वाइब मिलती है उनसे, इतनी सच्ची में, क्योंकि मैं जाकर मैं जब भी मिलता हूँ नीतू मैम को मैं पहले उनके पैर छूता हूँ। यू नो वो ऐसे नहीं मिलती हैं कि यार यू नो वो ऐसे ही मिलती कि हाँ मतलब यू नो मेरे बेटे जैसा है यू नो। सो उन्होंने कभी हमें ऐसे फील नहीं करवाया कि नीतू कपूर हैं वो यू नो। सो वो चीज़ है, तो एक अब जब आपकी एक केमिस्ट्री जुड़ जाती है किसी के साथ तो आप उनके सामने वल्नरेबल हो सकते हो, आप उनके सामने यू नो अगर रोना आता है तो हर एक के सामने आपको स्ट्रांग होना होता है। बट नीतू मैम के सामने जिस तरह से वो मुझे ट्रीट करती हैं तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ, जैसे अपनी माँ के सामने होऊंगा या अपने पापा के सामने। पापा के सामने फिर भी मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश करता हूँ, बट मॉम के सामने हो तो वो नीतू मैम से मुझे वो वाली फीलिंग आती है, जो ऐसा कोई मोमेंट हुआ तो फिर चलो बस भाई। थैंक यू सर। करण भाई रोहित की शादी के बारे में क्या रोहित आपकी शादी कब है? रोहित आपकी शादी कब है? मांझा मांझा किधर गया? हमारा ट्रेंडिंग मांझा आज की तारीख में ट्विटर वाला मांझा यही वो तो अगेंस्ट राइट है भाई, मांझा भी आया है, बेटा भी तो अगेंस्ट राइट है। मांझा किधर गया हमारा? हमारा 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 मांझा किधर है भाई? मांझा के साथ फोटो रोहित की शादी के लिए लड़की ढूंढनी है, रोहित की 17 की दो रोहित की डेट फिक्स कर देते हैं। कम भरत किधर है? रोहित किधर है? शादी का नाम लिया तो भाग गया रोहित, शादी की डेट फिक्स कर रहा हूँ, तू अपने आप देख लेना भाभी। पर लड़की का क्या करना है भाई? भाई हो जाएगा भाई, है ना मेरे साथ। करण भाई तो क्या 17 की दो चलेगा? करण भाई बोल रहे लड़की नहीं, करण भाई है तो चलेगा। देखो इसके गुण देखो, लड़की नहीं लड़की वाली तेजा भाभी जैसी मुझे नहीं पता वही तो नहीं चाहिए।